और नंबर 9 की सुर्ख दीवारों पर, दीवारों पर नाम है हिमेश भाई का। फावड़ा गाठिया खाकर सुखपूर्वक अपनी फ्लॉप्स के साथ अपना जीवन बिताते हिमेश भाई को एक्टिंग का ऐसा उदय चुपड़िया बुखार चढ़ा कि उन्होंने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए नाक बंद करके अनाउंस कर दिया कि भैया अब तो उसी मूवी में म्यूजिक दूंगा जिसमें एक्टिंग करूंगा। एलो कल्लो बात, एक्टिंग तो खैर क्या होती उनसे। म्यूजिक का जमा जमाया धंधा अलग हो गया और एक्टिंग के घाट घाट का पानी पीने के बाद सही टाइम पे प्यास खुद कुएं के पास आया। हिमेश भाई ने पकड़ा सल्लू पाजी का दामन और दिया बॉडीगार्ड में म्यूजिक। मगर वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वैसे ही मूवी चलते ही हिमेश भाई फिर चढ़ गए चने के झाड़ पे और एक बार फिर फूटा हिमेश नाम के ज्वालामुखी के मुंह से बड़े बोलों का लावा। बॉडीगार्ड के तुरंत बाद हिमेश भाई अपनी मूवी दमादम लेकर आए और अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के कूके कि भाई दमादम के म्यूजिक सेल्स ने बॉडीगार्ड के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आई लव। वो तो शुक्र है कि सल्लू पाजी उस टाइम फॉरेन में शूटिंग कर रहे थे, वरना वो हिमेश भाई के रिकॉर्ड के अलावा और कौन कौन सी चीजें तोड़ते हमें तो इमेजिन करके भी डर लगता है। भैया नो टचिंग नो टचिंग जैसे मीनिंगफुल सॉन्ग्स वाली इस मूवी को सच्ची में किसी ने टच नहीं किया। मगर फिर भी हिमेश भाई को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से फुर्सत नहीं मिली और उन्होंने अपनी फ्लॉप मूवी की सक्सेस पार्टी दे डाली। इसको बोलते हैं द हाइट्स ऑफ अपने मुंह मियां मिट्ठूइज्म। एक मिनट एक्चुअली दमादम फ्लॉप होने में सक्सेसफुल रही। शायद उसी सक्सेस की पार्टी दी होगी हिमेश भाई ने। लेकिन ऐसी हरकतें करने के बाद हिमेश भाई के मन का मिट्ठू अब इस कदर टाइट टाइट करने लगा है कि जबरदस्त के नंबर 9 पर उनका हक बनता है पूरे हक से।